प्रॉमिस करवा रहा है मुझसे ये कि मैं अपने जन्मदिन पे बाइक लूँगा, सेकेंड हैंड लूँगा, पर लूँगा सच्ची में लूँगा, ठीक है। और ये याद के तौर पर रिकॉर्ड हो रहा है और ये मुझे बार बार से टॉर्चर करेगा अगर मैंने नहीं ली तो। भैया लेनी तो पड़ेगी। डेट बता। तो डेट है मेरा बर्थडे 18 नवंबर, 18 नवंबर के एक दिन पहले या एक दिन बाद ऐसा कुछ होता है, ठीक है। Yeah. I think that I lost my mind. Hours and hours spent time grinding on the things I write, fighting for the sleepy nights. And still, man, I'm getting screwed. Having to pay my fucking dues. Algorithms pick and choose. We're all slaves to what they do. Wait, no, it's a gift. I can go from poor to rich if you figure out the switch to get to the top of it. I don't know, I don't care. I'm pulling out my fucking hair. I just wanna create and share, help the world become aware. कहाँ से शुरू करना है? पहले तो मुझे बहाना बनाने पड़ेगा कि 30 दिन प्लस 5 35 दिन हो गए हैं व्लॉग अपलोड नहीं हुआ। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने 2 महीने पहले बाइक कराई थी। मैं चाहता ना तो उस दिवाली वाले दिन ही ले लेता, पर मुझे अपने जन्मदिन को और ज़्यादा स्पेशल बनाना था क्योंकि मुझे यादगार रखना था कि अपने जन्मदिन पे मैंने अपनी बाइक ली। तो बाइक ली, बाइक लेने के लिए मैं निकला। उस दिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मैं मतलब रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, और मैं चाहता था कि मेरे सारे दोस्त आएँ और साथ में जाएंगे और सब मतलब एक मज़ेदार जैसे होता नहीं हर व्लॉगर करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि पापा ने कहा जल्दबाजी में कि चलो, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा, पता नहीं चल रहा, किसी को नहीं पता। तो यही तो होता है। अब फैमिली, अब देख मेरे को तो फैमिली वालों ने कुछ दिलाया नहीं, कम से कम तुझे तो ना। अभी हम जा रहे हैं बाइक लेने, ठीक है। मेरे किसी दोस्त को नहीं पता और मैंने सबसे बोल रखा था कि मैं सबको लेके चलूँगा, ठीक है। मतलब हम अच्छा एक अच्छे प्रॉपर तरीके से जाएंगे और बाइक का सारा काम करेंगे। पर पापा इतनी जल्दबाजी में हड़बड़ी में कह रहे कि अभी चाहिए, अभी चल रहा चल। तो फिर मैं जा रहा हूँ, किसी को नहीं पता, सिर्फ एक के अलावा जिससे को पता सब कुछ। निशान भाई बताना नहीं अभी किसी को, ठीक है, सरप्राइज देंगे सबको। अपनी बहन के साथ आई और पेपर साइन वर्क हो गया हमारे, है ना, पेपर वर्क कम्प्लीट हो गए। अब बारी है हम गोडाउन में, है ना अंशु, और उधर खड़ी हैं खूब सारी बाइकें, पर उसमें मेरी वाली नहीं है। मैं सोचा वो जो नीचे खड़ी ना उसी को ले लेते हैं। ये ब्लू वाली है और गई हो, ये की बच्ची पड़ी है, बाकी वो नीचे वाली उठाते हैं। तो सोचा था हाँ, तो नीचे वाला कलर मेरे को पसंद है, वाइट वाला कलर पसंद है, तो हम वाइट वाला ही लेंगे। और ना ना मना नहीं करेंगे, ऐसे कैसे मना कर देंगे, पैसे नहीं दी पूरे, पैसे पूरे देंगे। तो फाइनल डिसाइड हो गया, हम वाइट वाली ले रहे हैं। और ये पहले, ये मेरी सिस्टर है और दूसरी बार आ रही है मेरे ब्लॉग में। अब हम दोनों बाइक पे जाएंगे और किसी को नहीं पता, और हो गया मतलब। और मैं भी जाऊंगी घूमने, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है, सब कुछ जल्दी जल्दी जल्दी। और बाइक तैयार हो रही है हमारी, ठीक है। वहाँ मैं वहाँ ब्लॉग नहीं कर रहा क्योंकि यार यार कोई टोक देगा ना फिर मुझे, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बेहतर क्या, अभी अभी शुरू हुआ है। इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या होगा इसमें? अच्छा जी, हाँ भाई जल्दी जल्दी करो भाई, खुशी का ठिकाना नहीं। बस चालू हो गया और मैं आपको पूरा अपडेट देते हुए गाड़ी भी लाइक जा रही है। कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं करना चाहूँगा। मज़ा मतलब एक्साइटमेंट, बस ये तो कह रही है बस जल्दी जल्दी तैयार करो। मैं तो कह रहा हूँ कि जल्दी से चलो क्योंकि मुझे घर इस बाइक पे घूमने के इतनी जल्दी है कि मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी घूमूँ। मज़ा आ गया मेरे को, मतलब ऐसा रहा फटाफट करो ना यार, खत्म करो ना इस काम। मैं चाहती हूँ ना कि ना बाइक ये ले अच्छा लाना, मैं सीखूँगी। हाँ मैं चाह रहा हूँ। अरे वो ट्रायल ले रहा है, लेके जा रहा है बिल्कुल ही। देखो वो आ रही, वो आ रही, वो आ रही, वो आ रही। धुलाई धुलाई इधर हो रही है, इस वाले एरिया में शुरू हो गई धुलाई।
ओहो भैया आप ड्राइवर, आप व्हील काम करते हो क्या? ओ माय गॉश भाई, ढंग से धो रहा हूँ हमारी जानू को। हाँ जी, हेलमेट हमारे हाथ में है और अभी मजा आने वाला है। एक्साइटमेंट थी मेरे को बाइक जब शोरूम से बाहर निकाला था, जब तक तो मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था, पर मेरा दोस्त, मैंने फ़ोन किया उसे, भाई तू आ जा कि मैं यहाँ अकेला हूँ। तो वहाँ से आया, वो बल्लमगढ़ से भगा भगा आया और उसने अपने 12 मिनी में, इतने महंगे फ़ोन में, मेरी क्लिप ली बाहर निकलते टाइम की। पर इसकी एक अच्छी खासी दुख भरी कहानी है जो मैं बताता हूँ हुआ क्या। रिएक्शन दूंगा बाद में भाई। कांग्रेचुलेशन, तू ही आया और कोई नहीं आया, पता तेरे को? और बहुतों का कॉल आया मेरे को, तब चल रहा है मैंने यार भाई बहुत देर में इंतजार कर रहे हैं, अभी अंकित आ गया। इसमें मेरे ब्लॉग भाई, इसका ब्लॉग चैनल है, मैंने बनाया नहीं, मैं कह रहा हूँ खुद भी चल रहे हैं, तो हमें क्या पहले ये कर लें। हेलमेट, हेलमेट हमारा भाई मेरे फ्री का मिला इसलिए ले लिया। हाँ फिर देख फिर ठीक है ना, बाइक देखे ना? अरे यार मैं अपने लिए वही लूँगा। जिंदगी में एक साथ इतनी सारी खुशियाँ एक साथ आ जाए ना, तो किसी ना किसी को बुरा लग जाता है। मतलब उस टाइम हुआ क्या कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैंने इतनी सारी क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली हैं और जो चार दोस्त होते, कभी ज़िंदगी में मैंने ऐसा काम नहीं किया था कि चार केक ला के उस पर अपना नाम लिखा होगा, उस पर काटेंगे हम चक्कू से नहीं, 12 मिनी से, जिससे हमने बाहर निकलने की रिकॉर्डिंग की थी। तो केक काटा, चलो ठीक है काट लिया, 12 मिनी है भाई काट लिया। मेरे दोस्त ने शो ऑफ करने के चक्कर में उसे धो दिया, ढंग से धो दिया, इधर उसे रखना चाहिए था ना सुखाने को, खाने के लिए। बंदे ने क्या धोया और तुरंत चालू किया, वो फ़ोन हो गया डेड, बैटरी ख़राब हो गई, फोल्डर ख़राब हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया। तो फ़ोन सही कराने के लिए हमने दिया और उसके बाद पता चला कि फ़ोन सही हो के वापस आया। और उसके बाद हाँ भाई, इधर तेरी सारी क्लिप पहले बात तो डिलीट हो गई है, सच्ची। दस दिन इंतजार किया, फोन सही हो जाएगा जब हम व्लॉग बनाएंगे। 10 दिन हम लेट हैं व्लॉग में, ठीक है, और कहता है कि सारी क्लिप्स डिलीट हो गई हैं जो हम बाइक लेके आ रहे थे। मेरी सारी फोटो डिलीट हो गई, तेरी क्लिप्स तो फोटो की पड़ी, बताओ भाई तुझे तेरी पड़ी है, मेरे को मेरी भी पड़ी है यार, सब चीज ही डिलीट हो गया यार, मेरे तो कुछ नहीं बचा भाई, पर फोन आ गया बहुत बच गया। किसने कहा था धोने को? तो 30-40 दिन के बाद मैं दोबारा घर से निकला और थोड़ा हम्बल फंबल मार रहा हूँ, व्लॉग मुझसे हो नहीं रहा, बड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी मैं इस हमेशा यहाँ पर आते हैं, हम म्यूज़िक वीडियो शूट करने आते हैं, वही जगह है ये, ठीक है। तो आज हम बैठ के यहाँ पर स्टोरी सुना रहे हैं अपनी, पर बाइक आ गई है और अब हम करेंगे राइड, हम मचाएंगे धूम, धूम 4 बनाएंगे हम। कुछ रिकॉर्ड किया आपके लिए भी, ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है, अभी हम जाएंगे बहुत सारी जगह जाना और अब रेगुलर वीडियोस आएंगी, आ ही जाएंगी यार, हफ्ते में एक वीडियो तो आ ही जाएगी, जैसे पहले आती थी हफ्ते में एक वीडियो आती थी। जो 30-40 के दिन का गैप लिया ना, ये हम नहीं लेंगे दोबारा। तो जी ये कहानी हमारे 30-40 दिन व्लॉग लेट आने की, और हमने अपने दोस्त से जो चैलेंज किया था वही पूरा किया बर्थडे वाले दिन, और बर्थडे भाई जैसे तैसे हमने मना लिया और अब व्लॉग लेट नहीं होंगे, मोटो व्लॉग होने वाला है। कल तो मैं जा भी रहा हूँ, संडे है कल, तो हम निकल रहे हैं और आने वाले बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, ठीक है, तो इस लोग खत्म करते हैं।